भीगा भीगा है समा। ऐसे में हो तुम कहाँ कुछ याद आया आ गया होगा तो आप लोग की इतनी रिक्वेस्ट और मैं सोची थी मुझसे एक ऐसे मिस हो सकता है तो मैं लेके आई हूँ तरा टेन पेयर्स ऑफ पाकिस्तानी सूट सेट बारह ऑर्डर करे थे दस ही आए ये तो हमेशा होता ही है चलो फटाफट फ़ड़ से स्टार्ट करते हैं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सारे सूट सेट देखने के लिए हाय वेलकम बैक टू माय चैनल चैनल आप आप सबका मेरे पे स्वागत है मैं फिर से आ गई सबकी फेवरेट मीशो हॉल के साथ मीशो सीरीज मेरी ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है लेकिन मेरे मीशो हॉल आने बंद नहीं होंगे मैं अब हर कैटेगरी वैरायटी ऐप पे कुछ ना कुछ जाके शॉपिंग करूँगी और आप सबके लिए हॉल्स आते रहेंगे मैंने बीच में एक दो हो, अलग हॉल्स डाले तो इतने सारे कमेंट्स भर गए मीशो हॉल चाहिए मीशो हॉल चाहिए तो बाबा आएंगे लेकिन और भी बाकी सारे हॉल जाएंगे क्योंकि मेरी इतनी बड़ी फैमिली को अलग अलग चीज़ें देखनी है मैं मीशो सीरीज़ करी थी तो इतने सारे लोगों के एक कमेंट्स से अरे मीशो मीशो करे जा रहे हो इसके अलावा कुछ और भी करो तो मैंने कहा वो तो मेरी सीरीज चल रही थी तो अब मैं कुछ और भी कर रही हूँ अलग अलग जिस को जो देखना है वो देखेगा और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे सारे हॉल्स देखो कुछ ना कुछ टॉप कुछ ना कुछ हॉल में से वीडियो में से पसंद ही आएगा तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी बहुत सारे कमेंट्स थे पाकिस्तानी कुर्ती सेट पाकिस्तानी कुर्ती पाकिस्तानी और इतना ज़्यादा ट्रेंड भी कर रहा है जब से वो गाना इतना ज़्यादा वायरल हो गया था समझ ही गए मैं किसकी बात कर रही करी तो मैंने भी कुछ भी ट्राई नहीं करा था तो मैं गई मीशो पर जब मैंने सर्च किया माई गॉड इतने हैवी इतनी ह्यूज वेराइटी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या मंगवाऊँ और मैं मेरे पास एक भी पाकिस्तानी कुर्ती और ऐसा कुछ है नहीं तो मैं क्यों ना मंगवाया जाए देखा जाए कुछ में सेमी स्ट्रेच लिखा था कुछ में अनस्टेच लिखा था तो मुझे कोई आइडिया नहीं है मैंने बारह मंगवाए थे दस आ चुके हैं अलग अलग कलर्स पैटर्न्स डिज़ाइन में मैंने गोता मारा है फिर से तो चलो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ खोलते हैं देखते हैं कि कैसे रहते हैं मटेरियल जो दिखाया है वो आया है या नहीं तो चलो स्टार्ट करते हैं नंबर वन से सो हमारा पहला पाकिस्तानी कुर्ता वुमेंस वाइन बोटेनिकल जरी एम्ब्रॉयड्रीड नेट सेमी स्टिच तेरह सौ पच्चीस रुपये का था गाइज ये वाले सारे जितने भी पाकिस्तानी से रिलेटेड थे ना ये इनकी रेंज ही मतलब आठ सौ नौ सौ हज़ार बारह सौ तेरह सौ चौदह सौ पंद्रह सौ यही थी आपको इससे सस्ते नहीं मिलेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी वर्क वाले थे और जो बहुत सस्ते थे ना वो देखने में भी बहुत बुरे लग रहे थे तो मैंने वो मंगवाए नहीं है मैंने मिड रेंज रखी है आप पिक्चर में देख सकते हो ये प्यारा सा कलर है इसका और इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन हैं तो मैंने ये वाला कलर मंगवाया आपको पिक्चर में देख के लग रहा होगा भाई बहुत ही हैवी कुर्ता है पूरा लेस वेस वाला वर्क है बहुत कुछ था मैं इतना हैवी वेयर ही नहीं करती हूँ पता नहीं ये कैसा होगा क्या पता बहुत सुंदर है क्या पता बहुत चीप है देखते हैं मैंने ये आ, मरूनिश पिंकिश कलर मैंने इसको मंगवाया था सेमी स्टिच मैंने बस ऐसे फाड़ के देखा था अभी पूरा पैकेट भी मतलब मैंने निकाला ही नहीं है ओ मुझे लग रहा है कि ये सारे क्लोथ से होने वाले हैं आप इसको अपने अकॉर्डिंग सिलवा सकते हो वो ये पूरा नेट के ऊपर वर्क हुआ हुआ है ओ माय गॉड पहले मैं दिखाऊं इसमें क्या है ये इसकी चुन्नी है चुन्नी भी आप देख सकते हो नेट की चुन्नी है बॉर्डर है साइड में पतला सा और बीच बीच में ऐसे पर्ल मोतिया लगी हुई हैं और चौड़ाई भी ठीक है लंबाई भी ठीक ही होगी जिस हिसाब से इसमें तय हुई हुई प्लेट्स हैं इसको पहले साइड में रखते हैं फोकस करते हैं कुर्ते के ऊपर बाप रे, माय oh गॉड मतलब बहुत ज़्यादा ही मैं यहाँ से दिखाती हूँ सी गाइस ये सेमी uh, स्टिच के नाम पे आपको ऐसा कुर्ता मिलेगा कि ये ऊपर से सिला हुआ है और ये इसकी स्लीव्स हैं ठीक है अब आप देखो ये कुर्ता ऐसा है आप पास से इसका पूरा वर्क देखो नेट के ऊपर ये वर्क हुआ हुआ है बहुत हैवी लग रहा है और एक्जैक्टली exactly सेम लग रहा है आप ये वाला साइड वाला चीज़ देख रहे हो ये पहले मुझे लगा था ये कपड़े पे प्रिंट होगा लेकिन ये भी सीक्विन वर्क का पूरा हो बहुत हैवी है पूरा शादी वादी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है ये पीछे से एक स्लीव्स दी हुई है क्या दिया है ये मुझे हाँ ये स्लीव्स ही है ये भी स्लीव्स है इधर भी स्लीव्स है लेकिन पीछे ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिया है ना ये देखो ये एक्स्ट्रा कपड़ा मे भी ये बैक के बॉर्डर में आना हो पीछे वाले पल्लू के पीछे वाले बैक साइड के नीचे बॉर्डर में लगना हो और ये इसका आपको अस्तर भी मिल रहा है और अस्तर का कपड़ा बहुत स्मूद है शाइनी है डल बिल्कुल नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छा खासा बड़ा कपड़ा है एक हीटर दो ढाई मीटर ढाई तीन मीटर के अप्रोक्स ही कपड़ा है बहुत सही दिया है पता नहीं ये आप इसका अस्तर की तरह आपको यूज़ करना है या सलवार की तरह यूज़ करना है मे बी अगर आप इसकी पैंट्स बना रहे हो तो जो ये पीछे एक्स्ट्रा दिया हुआ है ये दिख रहा है आपको तो ये नीचे पैंट्स के पोंचू में भी लग जाए पोंचू बोलते हैं ना शायद नीचे पैंट्स में भी लग सकता है सर पैटर्न बनाने के लिए और ये पूरा लॉन्ग होगा मैं आपको इसकी मेरी हाइट फाइव थ्री है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना लंबा आएगा मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ये आपको दिखे तो ये मेरे काफ्स के नीचे तक आ रहा है इग्नोर मैं गंदी सी चप्पल फोकस ऑन कुर्ता कि मेरे काफ्स के नीचे तक आ रहा है ये काफ़ी सही लग रहा है मुझे तेरह सौ पच्चीस रुपये के हिसाब से आपको पूरा सेट मिल रहा है मतलब चुन्नी ये बुरा नहीं है जैसा दिखाया था वैसा ही है बस मुझे चेक करना है मोतियाँ निक निकले ना बहुत अच्छे से पेस्टिंग हुई हुई है ठीक है जैसा दिखाया था वैसा ही है मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको गाय आई फील के थोड़े महंगे तो बनेंगे पाकिस्तानी कुर्ते क्योंकि सेमी स्टिच है सिलाई के पैसे आपको देने पड़ेंगे कपड़ा वगैरह लेंथ वगैरह आपको बहुत अच्छी खासी मिल रही है जो नेक्स्ट हमारा है वो है पाकिस्तानी ब्लैक सलवार सूट विद हैवी वर्क दुपट्टा ग्यारह सौ साठ रुपये का ये है ये भी शायद सेमी स्टिच ही मैंने मंगवाया था पिक्चर में देखो कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है आप ध्यान से देखो तो स्लीव्स में भी देख सकते हो तो कितना अच्छा नेट वाला पैटर्न दिया हुआ है और इनके पजामी जो भी इन्होंने सलवार टाइप का पहना है उसमें पेंट्स में भी वो चीज़ दी हुई है और बहुत प्रिटी लग रहा है ब्लैक एंड पिंक का कॉम्बो देखते हैं कैसा आया है मुझे लगता है ये भी इससे पहले मैंने खोला था वो भी हूर ये एक ही ब्रांड से आए हैं क्योंकि बिल्कुल सेम पैकेजिंग है पैकेट बिल्कुल सेम है ओ oh, शिट ये बहुत अच्छा लग रहा है मतलब उसका नेट वाला बेस था काफी लोगों को नेट वाला बेस नहीं समझ आएगा वो नहीं कंफर्टेबल लाइक फील करेंगे लेकिन इसका बेस इसका कपड़ा बहुत अच्छा है इसकी चुन्नी देखो उसमें हैवी वर्क दुपट्टा लिखा था क्या इसमें ऐसा हैवी है ओके आप इसकी चुन्नी देख रहे हो पूरा आपको ये बॉर्डर दिख रहा है कितना सुंदर लग रहा है और चुन्नी का कपड़ा बहुत अच्छा है लेंथ भी बहुत अच्छी है दोनों तरफ आपको बॉर्डर में ऐसे धागे वाला वर्क मिल जाएगा ये तो रही इसकी चुन्नी अब बात करूं ये है देखो गाइस पूरा इसकी स्लीव्स आप देखो वाओ स्लीव्स बहुत सुंदर हैं ब्लैक कलर में आप देखो पहले पास से कितने सुंदर गुथा हुआ थ्रेड वर्क हो रखा है ये इसकी स्लीव्स हैं दोनों स्लीव्स आपको ऐसी मिलेगी फ्रंट आपको पूरा ऐसा मिलेगा और बैक आपको बिल्कुल प्लेन मिलेगी और इसमें पीछे पीछे बिल्कु, बिल्कुल बिल्कुल प्लेन है इसके अंदर आपको जो ये मिल रहा है थोड़ा सा कपड़ा ये आप जो नीचे पैंट्स बनाओगे ना उसमें ये नीचे लगा सकते हो जो दिखेगा कि वो नेट वाला कुछ था ना वो यही था बाकी कुछ नहीं है बिल्कुल प्लेन है अगर बात की जाए अब इसके फ्रंट की तो आप एक बार इसका फ्रंट देखो नेक पे पूरी गुथी हुई कढ़ाई और ये जो फ्रंट में आ रहा है पूरा नीचे तक का इसका वर्क और एंडिंग ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ना मरून वाले से लाइक मेरी पर्सनल चॉइस ये इतना डिसेंट और प्यारा लग रहा है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मैं इसको सच में मरून वाला तो मैं डाई लेकिन इसको मैं सोची इसको मैं ख़ुद के लिए स्टिच करवाऊँ क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत अच्छा स्टिच हो गया तो ये बहुत प्यारा लगने वाला है ऑल ब्लैक और ये है इसका सलवार जो बहुत शाइनी है अब अब आप इसको सलवार भी बना सकते हो या फिर इसके अंदर जो हम समीश काइंड ऑफ पहनते हैं वो भी बना सकते हो क्योंकि ये भी आप देखो अच्छा खासा बड़ा पीस आया है और शाइनी है काफ़ी सही लग रहा है मुझे अब या तो मैंने इनको स्टिच करवा लिए होते तो मैं आपको पहन के पूरा लुक दिखा सकती थी अभी तो मैं आपको क्लोथ मटेरियल और जो है जैसा आया बस वही दिखा पा रही हूँ काश मैं इसको ट्राई कर पाती लेकिन ये जब स्टिच हो जाएंगे तो मैं पक्का शॉर्ट वीडियो ज़रूर निकालूंगी कि कैसा क्या बन रहा है कौन से मैंने रखे कौन से मैंने रिटर्न कर दिए चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ गाइज अब मुझे लाइक मैं एक एक आर्टिकल उठा रही हूँ पिक्चर देख रही हूँ मुझे लग रहा है ये ईद वगैरह के लिए कितने परफेक्ट हैवी हैं ईद भी छुड़ो शादी के फंक्शन में अगर आप इन्हें पहनने वाले हो ना तो कसम से बहुत अच्छे लगने वाले हो वुमेंस ग्रेफ्रोलर एम्ब्रॉयड्रेड नेट सेमी स्टिच सूट तीन तेरह सौ अस्सी रुपये का है पहले पिक्चर में देखो कितना साइड में जो फ़ोटो लगी हुई वो कितनी हैवी लग रही थी यार एक तो चलो मॉडल ने पहनी हुई उसके साइड वाली फ़ोटो देखो मुझे तो पता नहीं ऐसा आएगा या नहीं आएगा लेकिन अभी जब मैंने इसको ऐसे स्टिच ऐसे फाड़ा स्टिच कह रही हूँ तो मैंने देखा कि यार ये सच में उतना ही हैवी है अब ध्यान से पास से देखो पूरा पर्ल वाला इसमें पूरा वर्क हुआ हुआ है बस ये धोने पे निकले ना कलर बहुत प्यारा लग रहा है लेकिन ये नेट बेस के ऊपर है आपको अंदर ये नेट बेस के ऊपर पूरा वर्क है और अंदर आपको अलग से समीज वग़ैरह पहननी पड़ेगी और हैवी भी है ये उठाने में ओ गॉड ये तो एग्जैक्टली exactly सेम वैसा ही है पहले मैं आपको उसकी चुन्नी दिखाती हूँ चुन्नी भी इसकी नेट की है बहुत ज़्यादा चीप नेट नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं है ओकेश है और अगर आप इसकी चुन्नी देखो तो आपको साइड में पहले तो ये सीक्विन वाला थोड़ा कढ़ाई व मिल जाएगी और बीच बीच में आपको दिखे तो बीच बीच में छोटे छोटे पर्ल लगे हुए हैं और ये पर्ल चिपके हुए ही नहीं है प्रॉपर आप पीछे से देखो टक हुए हुए हैं बहुत अच्छे से मशीन वाले तो ये बहुत सुंदर लग रहा है कलर भी और जिस पर सिल्वर कलर का सीक्वेंस है बहुत खिल के आ रहा है तो ये तो रही इसकी चुनने के बाद अब जरा आप ये हैवी कुर्ता देखो माय गॉड ये जैसा पिक्चर में दिखाया था एक्जैक्टली exactly सेम वैसा ही आया ये बहुत ज़्यादा हैवी भी है आप इसका नेक देखो पूरा इसमें पर्ल वाला जो ये काम हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है आप इसका बॉटम भी देखो उतना ही ज़्यादा हैवी है देखो ये पूरा ऐसे नेट के ऊपर है सेमी स्टिच इसलिए क्योंकि इसमें ना ऐसे स्लीव्स आपको दिखेंगे पूरी भरी हुई पूरी ही भरी हुई इसकी स्लीव्स है इधर से भी देखो और बैक इसका पूरा प्लेन है मतलब जितना आपको फ्रंट में काम मिलेगा ना उतना ही आपको बैक में मिलेगा और इसका नेक भी बहुत राउंड बड़ा गोल डीप नेक आपको मिलने वाला है और ये बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है पास से इसकी पूरी कढ़ाई देख लो पहले तो कितनी ज्यादा सुंदर है नीचे तक जो भी इसका पूरा डिजाइन जाल बना हुआ है और ये आपको इसके अंदर के लिए अस्तर का कपड़ा और बॉटम के लिए मिलता है इसमें भी आपको एक अलग सी शाइन देखने को मिल जाएगी मतलब ये कलर ही बड़ा अच्छा सा लग रहा है मुझे इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन थे ये देखो कितना सुंदर कलर है भाई प्रॉपर हैवी पार्टी पार्टीवेयर है ये तेरह सौ अस्सी रुपये के हिसाब से बहुत अच्छा पीस है थम्स अप अपे मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ गाइज मुझे ऐसा लग रहा है मीशो के पाकिस्तानी सूट्स के एक ही डीलर है क्योंकि मैंने अलग अलग जाके मंगवाया लेकिन ये सारे के सारे मुझे ये हूर कलेक्शन के क्यों दिख रहे हैं लेकिन इनके बहुत अच्छा कलेक्शन है मतलब कोई पेड प्रमोशन नहीं है लेकिन मुझे पर्सनली अच्छे लग रहे हैं यार मतलब आपको बहुत सही रेट में पाकिस्तानी सूट मिल रहे हैं वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं वुमेंस वाइट आ, सेम चीज़ है मुझे लग रहा है कि मैंने अलग कलर ना मंगवाओ लेकिन ये पूरा सूट अलग है ग्यारह सौ नब्बे रुपये का ये सूट है पिक्चर में देखो वाइट कलर का ये पूरा सूट है मॉडल ने पहना हुआ है चुन्नी में फूलों वाला पैटर्न है इसकी स्लीव्स बहुत अच्छी लग रही नेक पे बहुत अच्छा वर्क है बहुत अच्छे से उन्होंने इसको कैरी किया हुआ है और बहुत लॉन्ग नहीं बनवाया नी, बन नी लेंथ तक का बनवाया है देखते हैं कैसा है एक वाइटिश कलर का है और इसमें ना बहुत प्यारे पर्पल पिंक कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं वाह इसकी चुन्नी बहुत सुंदर है सी गाइस इसकी चुन्नी में नीचे ये लगा हुआ है बीच में नेट है और नीचे एंड में वो लगा हुआ है बहुत अच्छी लग रही है चुन्नी क्योंकि ये जो मटेरियल है ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है बहुत प्यारे से, से फूलों वाला ग्रीन पिंक फूल वाला मा... प्रिंट हुआ हुआ है नेट का कपड़ा बीच में उतना अच्छा नहीं है अगर आप इससे कंपेयर करो तो ओवरऑल ठीक लग रहा है साइडों में पूरा आपको ऐसे लेस मिल जाएगी चुन्नी में अब मैं बात करती हूँ कुर्ते की जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पहले ये वाइट कलर का बेस कपड़ा अलग कर देती हूँ आई थॉट ये पूरा प्लेन होगा लेकिन नहीं मुझे लगता है ये इसका फ्रंट में आएगा ये फ्रंट वाला कपड़ा है जिसमें यहाँ पे फ्लावर दिया और एक तरफ प्लेन ये फ्रंट में आएगा जिससे इसके ऊपर जो नेट है नीचे से आपको ये दिखे बहुत सही और डिज़ाइनर लग रहा है यार और ये है इसका बेसिक वाइट जिससे आप पीछे बैक वाला पीस और इसके बॉटम पैंट्स जो भी आपको बनानी है वो आप बना सकते हो अच्छा खासा लंबा शाइनी पीस है डल नहीं है मटेरियल बहुत सॉफ्ट है इसका अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका कुर्ता गाइज वो राउंड जो उसमें फ़ोटो में आपको दिख रहा है वो कट आउट नहीं हो रखा है इसमें पूरा नेट वहाँ पे लगा हुआ है आप देखो पास से कितना सुंदर इसका नेक है राउंड कटआउट नहीं है नेट लगा हुआ है जितना आप कंफर्टेबल होता ना, आप इसको काट सकते हो आप देखो पूरा इसका आप चाहो तो फ्रंट कट भी दे सकते हो जैसा डिज़ाइनर आपको सिलवाना है वैसा आप इसके एक बार ये स्लीव्स देखो कितना नीचे सुंदर ऐसा कटआउट है लेस वाला फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे हैं बीच बीच में ऐसे सीकिन के गोले बने हुए हैं इन सब कुर्तों में जो मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि इनकी बैक बिल्कुल ही प्लेन है कुछ भी नहीं है बैक पे बिल्कुल प्लेन बैक है और ये जो आपको बीच में ये दिखा हुआ है दिख रहा है ये आपकी जो पजामिया आप बनाओगे उसके लिए नीचे नेट दी हुई है कि आप वो नीचे नेट दे अपनी पेंट में नेट लगा सकते हो तो ये चीज़ सब में दिया हुआ है लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है बहुत प्यारा लग रहा है ये और बनने के बाद पूरा खुद को इसको मैं इमेजिन कर सकती हूँ कितना सुंदर लगने वाला है ये कलर बहुत डिसेंट है गर्मियों में व्हाइट कलर पहनने में मज़ा आ जाएगा किसी के दिन की शादियाँ तो भी आप इसको पहन सकते हो बहुत अच्छा है मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको सो so, हमारा जो नेक्स्ट है वो है जॉर्जेट का ट्वेंटी इलेवन कलर पार्टी वियर ड्रेस विद हैवी एम्ब्रॉयड्रीट वर्क विद कंट्रास्ट नेट दुपट्टा बॉटम और इसकी जो लाइनिंग है वो शैंटून मटेरियल की है हेवी नेट दुपट्टा है पिक्चर में आप देख सकते हो कितना प्यारा सा कलर है लेवेंडर के साथ थोड़ा डार्कर पर्पलिश कलर का इसके साथ कुछ दुपट्टा है देखते हैं एंड अगेन मुझे लगता है पूरा हूर 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 छाया हुआ है मीशो पे अगर आप पाकिस्तानी कुर्ते मंगवाते तो मतलब मैंने यहीं से देख लिया था जैसे मैंने इसको निकाला गैन मुझे हूर का टैग देखने को मिलता है सेम पैकेजिंग कलर भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वही है जो मतलब उसमें दिखाया गया है मरून सा डार्क पर्पल के साथ लेवेंडर कलर और सीक्वेंट वाला वर्क हुआ हुआ है जॉर्जेट है इसका सॉफ्ट वाला बाप रे इसकी चुन्नी एक बार देखो आप कितनी ज़्यादा नेट की चुन्नी पे सिल्वर थ्रेड से पूरा वर्क हुआ हुआ है। गॉड oh अच्छे खाली नीचे नीचे है यार ये ऐसे जोड़ नहीं अच्छा लग रहा उल्टा दिखा रही हूँ ये ये देखो इसकी चुन्नी बीच में से भी आपको पूरा ऐसे थ्रेड वर्क दिख जाएगा और एंड आप देख सकते हो ये बिल्कुल ऐसा है कलर आप देखो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा यार, है ये काश ये सिले हुए होते वीडियो शूट करने से पहले सबको सिलवा लेती तो ज़्यादा अच्छा रहता लेकिन जो मैं रिटर्न करती फिर वो आपको कैसे दिखाती कि क्या मैंने रखा है क्या नहीं रखा ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मतलब जो मैंने फ़र्स्ट आर्टिकल दिखाया था ना उसमें पूरे नेट पे इतना ज़्यादा वर्क था वो मेरा टेस्ट नहीं है मुझे ना नॉर्मल ऐसे कपड़ों के ऊपर फिर भी चलेगा लेकिन इतना हैवी तो तो भी नहीं वाइट एंड ब्लैक मुझे ज़्यादा अच्छे लगे ये इसका बिल्कुल बेसिक शाइनी अंदर का कपड़ा है सेंटून मटेरियल का शैंटून मटेरियल का आप इसका अंदर की लाइनिंग और पेंट्स बना सकते हो बॉटम बना सकते हो बहुत स्मूथ कपड़ा है इसको तो मैं एज एट एज रख देती हूँ बहुत खलेरा फिला रही हूँ मैं इतने ऐसा लग रहा है दुकान बन जाएगी थोड़ी देर में मेरा घर तो ये घर भी छोटा पड़ने लगा है मुझे तो ये एरिया भी छोटा पड़ने लगा है चलो मैं आपको दिखाती हूँ वो इसमें मोतियाँ भी हैं टक 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 बोल रही हैं गाइज इसका आप नेक देखो बाप रे कितना चौड़ा है और पूरे चौड़े पे वर्क हुआ है पूरा जाल बना हुआ है मेहंदी वाला जाल ऊपर से नीचे तक जैसे कारपेट होता है और आप एंड में इसमें देखो जो ये मोतियाँ लगी हुई हैं जज़ा जज़ा अब इसकी स्लीव्स भी दिखाती हूँ ये है इसकी स्लीव्स और आप स्लीव्स के एंड में देखो मोतियाँ लटक रही हैं काफ़ी हैवी है लेकिन बैक आपको बिल्कुल ऐसा मिलेगा कि अरे हम तो बहुत ही सिंपल सोबर सा सीधा सा कुर्ता पहन के आए हैं पीछे बिल्कुल प्लेन है आगे देख लोगे तो आपके आंखें ऐसे होने लगी कि ओ भाई कितना हैवी वाला पहन के आए हो देखो अब इसके साथ मैं आपको लगा के दिखाती हूँ पूरी दुकान वाली सेल्स कल वाली फील आ रही है मुझे सी आ उसके साथ ही कुछ ऐसा लगेगा कॉम्बिनेशन में सो गाइस कट सो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर बताना मुझे काफ़ी सही लग रहा है अकॉर्डिंग टू द प्राइस जो आपको क्लॉथ मटेरियल मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है मैं खुश हूँ बाकी स्टिचिंग एरिया टू एरियर डिपेंड करती कितने सौ कितने हज़ारों की वो आपसे स्टिचिंग लेते हैं वैसे जो दिखाया है पिक्चर में एग्जैक्टली सेम वैसा ही आया है मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको फाइनली अब आप कहीं और के ब्रांड का प्रोडक्ट मेरे हाथ में आया गोटीज डिज़ाइनर कॉर्चर सो so, इसका जो टॉप है वो है फॉक्स जॉर्जेट दुपट्टा है बटरफ्लाई फ्लाई नेट जो है बॉटम वो है शेंटून की आप पिक्चर में देख सकते हो ये थोड़े अलग कॉम्बिनेशन में है, इसकी बॉटम सिल्वर कलर की है सी थ्रू वाला मटेरियल नहीं है स्लीव्स आप देख सकते हो बेल बेल्स या चुन्नी हैवी है बहुत सुंदर और डिफरेंट सा पाकिस्तानी स्टाइल का ही है मैंने टील कलर का मंगवाया है ग्यारह सौ अस्सी रुपये का है मुझे पड़ा है एंड अगेन सेमी स्टिचड है ओ oh, मुझे लगा सिला हुआ है गाइस पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसकी चुन्नी जो बहुत सॉफ्ट नेट पे बहुत ज़्यादा हैवी सीकुन वर्क है और साइड में पूरी ऐसी गोटा पट्टी लगी हुई है टेसिल वाली सिल्वर कलर की ये आपको उसका दुपट्टा मिलेगा बहुत लाइट वेट है लेकिन मुझे दुपट्टा उतना अच्छा नहीं लग रहा है टेसिल वाली उसके वजह से गोटा पट्टी की वजह से वो हम हटा भी सकते हैं बाकी आप कलर देखो कितना ज़्यादा प्यारा है पूरी ऐसी की लाइंस बनी हुई हैं बात करते हैं इसके अपर की ओ भाई <laughs> ये जो आपको सिल्वर वाला कपड़ा मिल रहा है ये इसकी बॉटम के लिए है ठीक है आप देख सकते हो काफी अच्छा बड़ा पीस है बहुत शाइनी इसका कपड़ा है सिल्वर कलर की बॉटम है क्योंकि इसमें पूरा सिल्वर थ्रेडवर्क है ये वाला जो पीस आपको मिल रहा है ना ये इसके अंदर के लिए अस्तर का पीस है शायद डेढ़ मीटर होगा ये अंदर इसमें अस्तर लगेगा आई थॉट इसमें अस्तर की ज़रूरत नहीं होगी लेकिन अस्तर इसमें लगा हुआ है एंड ये पहला पाकिस्तानी कुर्ता ऐसा है कि जिसमें पीछे भी ऐसे दो लाइने बनी हुई है बीच में आपको एक पैच वर्क मिल जाएगा वरना पीछे से सारे प्लेन थे इसमें पीछे भी है तो पीछे जिसमें वर्क होता है अच्छा लगता है यार फ्रंट आप देखो पासिस की कढ़ाई देखो राउंड नेक इसकी स्ट्रेट कढ़ाई अब आपको मैं इसकी स्लीव्स दिखाती हूँ कितनी बड़ी इसकी स्लीव्स है मतलब आप देखो ये इसकी स्लीव्स है इधर इतना चौड़ा इसका कपड़ा है और इसमें सिलाई अगर आप ऐसे लगवाओगे ऐसे वाली सिलाई तो कितनी बड़ी बेल स्लीव्स बनने वाली हैं आपकी हाथ से कितना सुंदर लगेगा इतनी चौड़ी चौड़ी स्लीव्स बहुत सही है एग्जैक्टली exactly सेम है कलर भी सेम है कढ़ाई भी सेम है जैसा पिक्चर में दिखाया है वैसा ही आया है एंड ग्यारह सौ के हिसाब से ये कपड़े का मटेरियल मुझे तो अच्छा लग रहा है गाइस नेक्स्ट दिखाती हूँ सो so, जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है न्यू न्यू डिजाइनर ब्लैक हैवी जॉर्जेट टॉप विथ वर्क चौदह सौ सत्तर रुपये का पिक्चर में देख के लग रहा था पूरा स्टिच्ड आएगा लेट्स सी क्या आता है पेंट भी स्टिच है और बहुत हैवी वर्क है ब्लैक पे पूरा वाइट से वर्क हुआ हुआ है अब जो ये आया है वो देखते हैं आया क्या है ब्लैक पे पूरा हैवी वर्क तो हुआ हुआ है ये इसकी पेंट है आप देख सकते हो पूरी स्टेच्ड है इसका पजामा कितना चौड़ा है नीचे ये बॉर्डर में वर्क है ये वाला वर्क आप ध्यान से देखो ऐसा थ्रेड वाला पूरा ये वाला वर्क इसमें अलग से ही लेस अटैच हुई हुई है ठीक है बहुत ढीला ढाला सा पजामा है ये अब बात करूँ इसकी चुन्नी की तो चुन्नी का भी आ, ओकेश मटेरियल है ऐसे धागे लगे हुए पूरी फिनिशिंग नहीं है आप देखो यह है इसकी चौड़ाई चारों तरफ वो बॉर्डर लगा हुआ है बीच बीच में बूटियाँ बो, सी बनी हुई हैं उसकी थ्रेड वर्क वाले की अच्छी खासी चौड़ी बड़ी ब्लैक कलर की है ब्लैक एंड वाइट कॉम्बो है ये और ये पूरा स्टिच्ड है सी ओ बाप रे कितना हैवी लग रहा है ये और आप इसका बैक से भी देखो कितना ज्यादा हैवी वर्क है इसमें पीछे भी ओ पीछे क्या मतलब इसके नेक पर पीछे पहली बार देखा है ऐसे राउंड नेक पे भी वर्क है बीच में एक पैच बना है नीचे से बिल्कुल प्लेन नहीं 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 नीचे बस एक हल्का सा बॉर्डर है प्लेन नहीं है फ्रंट आप देखो क्या जाल वाला वर्क है भाई कितना ज़्यादा हैवी थ्रेड वाला वर्क है आई गेस इतना जूम दिखाने में आप मटेरियल समझ पा रहे होंगे कि किस थ्रेड की क्या मैं बात कर रही करी कढ़ाई की अब आप इसकी स्लीव्स देखो स्लीव्स में कोई अस्तर नहीं लगा है बेल स्लीव्स हैं इसकी और कितनी सही लग रही हैं और यहाँ से कट आउट भी है इतनी ठीक है पूरी ऊपर तक सिली हुई नहीं है भैया करके देखूंगी तो समझ आएगा कि कैसा लग रहा है ठीक है मैं यहाँ साइड में वीडियो चला दूंगी आप साइड बाय साइड देखते रहना कि पूरा हेड टू टो तो पहनने के बाद कैसा लग रहा है आई नो शायद ये फ्री साइज़ है या मैंने कौन सा साइज़ मंगवाया है मुझे याद नहीं है ऐसा ना हो कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा हो मेरे ऊपर लेकिन वीडियो में आप पूरा देखते जाओ हेड टू टो लुक कैसा क्या आ रहा है पहन के ओवरऑल ये स्टिच्ड है और ग्यारह सौ अस्सी रुपये का है शायद इतने का ही है तो काफ़ी ठीक लगा मेरे को मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ ग्यारह सौ अस्सी बोल रही हूँ चौदह सौ साठ सत्तर का है ये लेकिन स्टिच्ड है तो काफ़ी पैसे बच जाएंगे थोड़ा अल्ट्रेशन ही करवाना पड़ेगा काफ़ी ठीक है मुझे सही लगा बाकी आप तो देख ही रहे हो नेक्स्ट दिखाती हूँ जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है वुमेन्स ग्रीन एथनिक मोटिफ एम्ब्रॉयड जॉर्जेट सेमी स्टिच्ड इसका जो टॉप है वो है फॉक्स जॉर्ज दुपट्टा नेट का इनर सेंटून बॉटम सेंटून जैसा पिक्चर वहाँ लगी है मीशो पे वही पिक्चर कैटलॉग में यहाँ पे भी आई है लेट्स सी कैसा है ये ऑल ओवर ग्रीन है ठीक है बेल स्लीव्स हैं और चुन्नी जो है ना वो पीचिश प्याजी कलर की आप कह सकते हो उस कलर की चुन्नी है पूरा जॉर्जेट मटेरियल है लेट्स सी कैसा है जैसा पिक्चर में दिखाया है पहले इसकी चुन्नी अलग करूँ ये देखो मैंने कहा था थोड़ा पीची सा प्याजी कलर की चुन्नी है इसमें आपको ये ग्रीन टील वाले थ्रेड धागे का वर्क मिल जाएगा गोल्डन धागे का और एंड में ऐसे दो टेसल लटका रखे हैं इन्होंने लटकन के नाम पे कलर तो ठीक लग रहा है चुन्नी का ठीक है इसके साथ कंट्रास्ट में भी आप देख सकते हो कैसा लग रहा है अब मैं बात करती हूँ इसके कुर्ते की तो गाइज ये है इसका कुर्ता आप देखो पूरा से नेक पे जो पैटर्न बना हुआ है और ये जो नीचे पैटर्न बना हुआ है दोनों कॉर्नर पे आएगा ये है इसकी स्लीव्स इसमें जो गोल्डन सीक्विन यूज़ हुआ है ना वो काफ़ी अच्छा वाला सीक्विन है वो चीप गोल्डन नहीं लग रहा है थोड़ा ना आपको दिखे मैट टाइप का गोल्डन है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये इसकी स्लीव्स हैं अंदर इसमें अस्तर पूरा अटैच है पूरा अस्तर इसमें अटैच है इसका बैक जो है वो पूरा पूरा प्लेन इसका बैक मिलेगा आपको कोई भी बैक पे वर्क नहीं है ये इसकी स्लीव्स में आपको दिखाई चुकी हूँ और इसमें नीचे भी ऐसे छोटे छोटे वो लटका रखे हैं इन्होंने क्या बोलूँ लटकल लटका रखी है अब मुझे एक चीज़ का जो डाउट हो रहा है पहले वो मैं क्लियर करूँ गाइज मुझे ये डाउट हो रहा था कि ना पिक्चर में थोड़ा हैवी दिखा रखा है लेकिन समाहओ ये वैसे ही लग रहा है लेकिन पिक्चर में ना अगर आप ध्यान से देखो ना तो स्लीव में भी ऐसे पतली पतली लाइनिंग्स ही जा रही हैं नेक थोड़ा बड़ा सा लग रहा था हैवी वर्क लग रहा था ये वैसा ही है क्या पता स्टिच होने के बाद इसका पूरा लुक है और ये आपको जो एक्स्ट्रा लेस दी हुई है ये जो आप इसका बॉटम बनाओगे ना उसमें आप नीचे लगाओगे और ये इसका बॉटम का अलग से कपड़ा दिया हुआ है जिसमें ये लेस लग जाएगी चुन्नी मैं दिखा चुकी हूँ अपर मैं दिखा चुकी हूँ मेरे ख्याल से सिलने के बाद ये एक्जैक्टली वैसा ही लगेगा क्योंकि अभी ऐसा कपड़ा देखने में ना कई बार समझ नहीं आता है सी देखो ये तो मैं मेरे हिसाब से तो पल्ले इतने चौड़े जा रहे हैं ये साइडों में जा रहे हैं अगर मैं ऐसे स्ट्रेट खड़ी हो जाऊँ तो ठीक लग रहा है जैसा दिखाया था कपड़ा अच्छा है मतलब द, व, चीप कढ़ाई नहीं लग रही है बस बात ये है मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको गाइस आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा पाकिस्तानी ये सूट हॉल कुर्ती हॉल देखने में क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है मीशो से आई गेस आप लोग भी पहली बार देख रहे होंगे तो जो हमारा लास्ट आर्टिकल है वो है वुमेन्स मिंट ग्रीन एथनिक मोटिव एम्ब्रॉयड नेट सेमी स्टिच पंद्रह रुपए का अब आप पिक्चर में देखो है ना गेंग ये इस पूरे हॉल का जो एक इकलौता ब्रांड है हुल होल लिखा हुआ है वहीं से ये आया है पिक्चर में काफ़ी अच्छा लग रहा है मिंट ग्रीन ऑरेंजिश कलर का इसका बॉटम है स्लीव्स वगैरह और जो बॉटम है एंडिंग नेक वगैरह बहुत डिफरेंट है इसलिए मैंने मंगवाया था मैंने ट्राई किया था कि मैं हर एक अलग अलग तरीके का आर्टिकल मंगवाऊँ और मैंने वैसे ही मंगवाया है देखते हैं ये कैसा है मुझे इस ब्रांड के काफ़ी अच्छे लगे जितने भी पाकिस्तानी आ, हमने सूट देखे हैं काफ़ी अच्छा ब्रांड है ये रीज़नेबल प्राइस में आपको सामान मिल जाएगा ये इसकी बॉटम है देख लेती हूँ पहले हाँ ये इसका शायद बॉटम है बिल्कुल प्लेन है सब कुछ इसमें जो ऊपर से लगाने का होगा ना वो आपको अंदर ही मिलेगा बहुत शाइनी सा बेबी पिंक पीची कलर का इसका बॉटम है अब मैं आपको इसका अपर दिखाती हूँ कलर बहुत प्यारा मिंट है। नेट के ऊपर थ्रेड वाला गुथा हुआ वर्क का पैटर्न है उसमें आपको गोल्डनिश सिल्वर कलर का थ्रेड भी मिल जाएगा और जिसमें सीक्वेंस लगे हैं ना वो ट्रांसपेरेंट सीक्वेंस है ना गोल्डन है ना सिल्वर है जिस वजह से वो सीक्वेंस जब शाइन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है अब मैं आपको इसकी चुन्नी भी दिखाती हूँ भाई चुन्नी भी बहुत प्रिटी है बहुत प्यारी सी लेस लगी हुई है आप देखो इसमें चारों तरफ पूरा ऐसे बॉर्डर बना हुआ है जैसे केक का बॉर्डर होता है ना ये वाली लेस लगी हुई है और बीच बीच में ना जो पर्ल्स लगे हैं ना उनका भी कलर ना ये ऐसे लाइम मिंट ग्रीन कलर है बहुत सुंदर लग रही है चुन्नी बीच बीच में आप देख सकते हो थ्रेड वर्क वाला रोज वोज बीच बीच में लगे हुए हैं काफ़ी सुंदर चुन्नी दी है यार अच्छी लगी मेरे को अब बात करते हैं मेन आइटम की जो इसका कुर्ता है ना बहुत सुंदर है जैसा पिक्चर में दिखाया है वैसा ही है ये तो आ रहा है जी उसका पूरा अस्तर जो अंदर यूज होगा क्योंकि इनर है ये आप पैंट का तो पीच कपड़ा है तो आप देख सकते हो कितना शाइनी कपड़ा है बहुत अच्छी खासी बड़ी लेंथ का कपड़ा है बहुत सही लग रहा है अब जो इसकी बात की जाए कुर्ते की ये क्या है अलग से जो लेस दी हुई है हाँ ये पक्का ये पेंट में नीचे लगाने के लिए है। जो आप पीच कलर की पेंट बनाओगे ना उसमें आपके नीचे लगाने के लिए अलग से लेस दी हुई है आपको कुर्ता दिखाती हो गाइस ये कुर्ता देखो आप एक बार पूरा जाल से भरा हुआ कुर्ता है ये नीचे आप देखो जो नीचे ये अलग से बॉर्डर दिया हुआ है उसमें मोतियाँ लगी हुई हैं नीचे ऐसे फ्लावर का पैटर्न आ रहा है अब जो इसकी स्लीव्स हैं वो देखो बीच में इतना बड़ा पैच वर्क वाला वर्क है और उसके बाद आपको छोटी सी झालर लगी हुई दिखेगी फिर आप इसको ऐसे बंद करो और ये आपका फ्रिल वाली थोड़ी सी स्लीव्स आएगी मतलब जितनी मैंने बोला था कि स्टाइलिश इसकी स्लीव है वैसे इसकी स्लीव है बस जो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या पता ये इनका पैटर्न रहता हो ये बैक से बिल्कुल प्लेन है बिल्कुल प्लेन नेट कुछ भी नहीं है नीचे एक ज़रा सा बॉर्डर दे देते बीच में बूटी दे देते कुछ भी ऐसा नहीं है बस आप फ्रंट वर्क है जो आप देख सकते हो इसमें कोई भी नेक नहीं बना हुआ है नेक आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ नेक बिल्कुल स्ट्रेट है अब मुझे समझ आया ये जो पीछे का ये कपड़ा है ना ये ये आप चाहो तो पेंट के बॉटम में भी लगा सकते हो लेकिन अब जरा दोबारा पिक्चर में देखो लड़की ने नेक पे बना रखा है ऐसे वी शेप का नेक बना रखा है तो आप इससे ना जिस जैसा चाहो वैसा नेक पे डिज़ाइन बना सकते हो कॉलर वाला लंबा कॉलर वी नेक तो ये उस चीज़ के लिए है क्योंकि इसमें कोई भी नेक नहीं दिया हुआ ऐसे स्ट्रेट है लेकिन आप एक बार ये जाल देखो पास से इसका सीकवें वर्क देखो शिमर देखो मुझे काफ़ी एक्चुअली मुझे कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये बॉटम का ये जो कटआउट है ना पूरा नीचे ये कटआउट भी बहुत चीप नहीं है कि बस काट दिया है आप ध्यान से देखो कटआउट होने के बाद ये धागा हटाओ ये जो पूरा ऐसे ये पूरा हो रखा है ये बहुत सुंदर लग रहा है मुझे काफ़ी अच्छा लगा हुआ सच में मुझे बहुत अच्छा लगा इसके साथ आप ये रख के देखो ये पीच कलर कितना सही कॉम्बो लग रहा है और उसके ऊपर ये चुननी ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा सो गाइज दैट सेट ये थे मेरे कुर्ते सेट आई होप आपको पसंद आएंगे मतलब मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन मुझे सच में बहुत ज्यादा पसंद है सारे अफोर्डेबल हैं अकॉर्डिंग टू द स्टफ यू आर गेटिंग बहुत सही बहुत मज़ा आ जाएगा आपको ये लेके आपके ऊपर आप इसको कैसे स्टिच करवाना चाहते हो और ओवरऑल मुझे तो ये हॉल में काफ़ी मजा आया आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो अगर आप पर्टिकुलर ऐप से भी कुछ देखना चाहते हो ना कि मिंत्रा से फ्लिपकार्ट से अजियो से एक्स वाई जेट से आपको जो देखते हैं मुझे सजेस्ट करो वो मैं आपके लिए लेके आऊँगी और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो मेरे वन मिलियन होने में थोड़ी ज़्यादा मदद कर दो और बाकी ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए और मैं आपका प्यार बटोरती रहूँगी बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो सीन द नेक्स्ट वीडियो सुपर सून गाई बाय आई लव या